दोस्तों के साथ मस्ती करनी है, उनके साथ गेम्स खेलने हैं, बट अच्छा पीसी नहीं है और इवन ढंग का इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं है, तो कोई बात नहीं यार, ये वीडियो देख लो, बिकॉज आज आपको मिलेंगे 25 ऐसे मल्टीप्लेयर एंड्रॉइड गेम्स जो कि आप अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हो, वो भी बिल्कुल ऑफलाइन। तो चलो यार शुरू करते हैं बिना किसी बकलोली के। नंबर 25, जॉम्बी कॉम्बैट सिमुलेटर। सो जॉम्बी कॉम्बैट सिमुलेटर एक कमाल का जॉम्बी शूटिंग गेम होने वाला है, जहां कि आप अपने दोस्तों के साथ ही टीम बना के जॉम्बी से फाइट ले सकते हो, एंड फाइट करने के लिए ही आपको डिफरेंट वेपन्स, ग्रेनेड्स एंड टेरेट्स भी देखने को मिल जाते हैं। नंबर 24, बॉम्ब स्क्वाड। सो बॉम्ब स्क्वाड एक बहुत ही कमाल का पार्टी गेम होने वाला है यहाँ पर, जहाँ की आप एक साथ ही एक ही टाइम पे अपने 8 दोस्तों के साथ मैच कर सकते हो, मतलब फुल ऑन पार्टी। खैर बॉम्ब स्क्वाड में यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट गेम मोड्स भी देखने को मिल जाते हैं, जिनमें के शामिल है कैप्चर द फ्लैग, बॉम्ब रश, हॉकी एंड और भी बहुत कुछ। नंबर 23, लोकल वॉरफेयर। सो लोकल वॉरफेयर यहाँ पर एक अरीना शूटर / FPS गेम होने वाला है, जिसे कि खेलकर आपको CS:GO के सिमिलर फीलिंग आएगी, विच बेसिकली मीन्स कि यहाँ आप अपने दोस्तों के साथ या फिर उनके अगेंस्ट भी बैटल कर सकते हो, उन्हें मार सकते हो, बॉम्ब डिफ्यूज कर सकते हो एंड उनके साथ ही गेम के पूरे पूरे मजे भी ले सकते हो, वो भी गुड ओल्ड काउंटर स्ट्राइक स्टाइल में। नंबर 22, साइबर स्पीयर। सो साइबर स्पीयर एक साइंस फिक्शन शूटिंग गेम है, जहाँ की आपको रोबोट आर्मी के खिलाफ जंग में उतरना है, जस्ट लाइक द मूवी टर्मिनेटर, जहाँ की टर्मिनेटर मूवी में तो निस्तोनाबूद नहीं पाए थे, लेकिन इस गेम के अंदर आप रोबोट्स को पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर सकते हो, क्या करना ही होता है आपको, एंड यहाँ आपको उसी में मदद करने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर मॉडल्स, वेपन्स एंड ड्रोन्स, एंड सबसे कमाल की बात कि इस गेम में आप रोबोट्स की छुट्टी एक साथ ही 6 लोगों के साथ खेल के कर सकते हो। नंबर 21, नोवा 3। सो नोवा 3 गेम का जिक्र मैंने पहले भी कई बार अपनी वीडियोस में कर रखा है, बिकॉज ये गेम है ही इतना कमाल का, होने में तो ये एक मोबाइल के लिए बना कमाल का एलियन शूटिंग गेम है, लेकिन इस गेम को खेल के पता लगता है कि मोबाइल से हटके इसमें तो कंसोल लेवल का गेम प्ले है, जो कि वाकई में काफी ज्यादा लाजवाब है। खैर इसे आप अपने दोस्तों के साथ तो खेल ही सकते हो, लेकिन ऑफलाइन भी खेल सकते हो, वो भी बड़े आराम से। नंबर 20, मिनी मिलिशिया। सो मिनी मिलिशिया एक बहुत ही पॉपुलर 2D मल्टीप्लेयर गेम है, जहाँ के आप अपने फ्रेंड्स को चैलेंज कर सकते हो और उन्हें डिफरेंट वेपन्स की हेल्प से डिफीट भी कर सकते हो। अब ये तो हो गई स्क्रिप्ट की बात, अगर मैं एक्सप्रेस करूँ अपनी पर्सनल दिल से निकली बात को, तो कम ऑन यार, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को मिनी मिलिशिया के बारे में कुछ भी बताने की जरूरत है। ये गेम हुआ ही इंडिया में हिट था बेसिकली, और इतना ज्यादा हिट हुआ था कि हर कोचिंग, हर ट्यूशन में, हर स्कूल के नुक्कड़ कोने पे जहाँ पर आप अपना फोन छुपा कर ले जाया करते थे, तो वहां पर तो ये गेम चलता ही चलता था भाई। मुझे याद है आज भी कि 4-5 साल पहले मैं मेरी कोचिंग के पीछे बैठ के अपने दोस्तों के साथ में इसी गेम को ग्राइंड किया करता था, वो भी घंटों तक। सो आज की डेट में भी इस गेम को खेलने का एक अच्छा मौका है, अगर आप खेलना चाहो तो। नंबर 19, गुरिल्ला ब्रदर्स। सो गुरिल्ला ब्रदर्स एक बांग्लादेशी कोऑप शूटर गेम है, जहाँ की आप और आपके भाई एक वॉर में फंस गए हैं। नाउ अब आपको डिफरेंट वेपन्स की हेल्प से दुश्मनों से लोहा लेना है एंड उन्हें सबक सिखाना है। सो गेम काफी ज्यादा मस्त है, और ऊपर से हमारी प्यारी सी नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश है, जिसमें कि आपको एक कवर बेस्ड शूटिंग मैकेनिज्म भी देखने को मिल जाता है, तो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। नंबर 18, डुअल। सो डुअल दो प्लेयर्स का ही एक कैजुअल मल्टीप्लेयर गेम है, जिसे कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ तो खेल ही सकते हो, लेकिन यहाँ आप डिफरेंट डिफरेंट गेम मोड्स में मस्ती भी मार सकते हो, यानी कि अपने फ्रेंड्स को शूट करके, अपने एरिया को डिफेंड करके, और उनके साथ सॉकर भी खेल के आप मस्ती कर सकते हो। सॉकर का कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आया, बट ठीक है यार, अगर गेम चल रहा है तो व्हाई नॉट। नंबर 17, एस्फॉल्ट 8, लोल। सो एस्फॉल्ट एक बहुत ही फेमस रेसिंग गेम है, जहाँ के आपको एक से बढ़कर एक स्पोर्ट्स कार मिल जाती है चलाने को, एंड गेम के ग्राफिक्स एंड गेम प्ले भी एक नंबर है। एंड हाँ, अगर लगे हाथ अब इस गेम को आप ट्राई कर ही रहे हो, तो नीचे कमेंट करके बता देना, क्योंकि आपको पता था कि इस गेम को आप स्पेसिफिकली अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हो, वो भी ऑफलाइन। नंबर 16, फ्लैट्स। सो फ्लैट्स एक टीम बेस्ड मल्टीप्लेयर गेम है, जहाँ की हमें ओपोनेंट्स को हराना होता है और उनकी लिटरली चटनी बनानी होती है बिना मिक्सी में डाले, एंड बिना मिक्सी में डालकर इनकी चटनी बनाने का ही प्रोसेस आप इस गेम में दिए गए डिफरेंट वेपन्स एंड ग्रेनेड की हेल्प से परफॉर्म कर सकते हो, जो कि गेम में काफी ज्यादा फन एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं। और गेम को एक और चीज जो यूनिक बनाती है, वो है इसके ग्राफिक्स एंड इसका गेम प्ले। सो इस गेम को भी जरूर से ट्राई करना। नंबर 15, Among Us। सो आई डोंट थिंक सो कि Among Us को किसी भी तरह की इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत होगी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, बिकॉज आपने कभी ना कभी इस गेम को खेला ही होगा, जहाँ कि हम एक ही टाइम पे 8 डिफरेंट प्लेयर्स के साथ खेल सकते हैं, जिनमें से एक प्लेयर तो यहाँ पर इम्पोस्टर बनता है, बोले तो हत्यारा, जिसे कि हम सस सस कह के चिढ़ाते हैं, जो कि वेंट से ऊपर नीचे भी हो सकता है, याद आया कुछ। एंड बाकी नल्ले और बेवकूफ प्लेयर्स को यहाँ पर उस इम्पोस्टर को ढूंढना है और उसे शिप से फेंक कर मारना है, और अगर उसे मार नहीं पाए तो एटलीस्ट एंड तक तो बच जाओ, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होने वाला,
वाला, क्योंकि तुम अपनी मौत को डिले कर रहे हो बेसिकली, क्योंकि अंत में जाकर इम्पोस्टर और सिर्फ तुम ही बचते हो, तो कांग्रेचुलेशंस यू आर डेड। तो ये गेम है तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग और लिटरली गालियां निकालने पे मजबूर कर देगा आपको अपने दोस्तों पर, लेकिन इस गेम में बहुत ज्यादा फन भी है, तो ट्राई कर सकते हो इसे आप। नंबर 14, सी बैटल्स 2। सो सी बैटल्स 2 यहां पर एक स्ट्रेटेजिक गेम होने वाला है, जहां कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ ही या फिर उनके अगेंस्ट में ही वॉर्स में पार्ट ले सकते हो। एंड नाउ गेम में आपको अपना एक बेस बनाना होता है, एनिमीज के बेस पे अटैक करना होता है। एनिमीज इन केस कोई दूसरे बंदे भी हो सकते हैं या फिर आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जिनके अगेंस्ट में आप खेल रहे हो। एंड हां, आपको खुद को ना हारने के लिए या फिर खुद को बचाने के लिए ही अपने बेस को भी डिफेंड करना होता है। एंड इन्हीं सब में आपको हेल्प करने वाले हैं गेम में ही इंट्रोड्यूस किए गए डिफरेंट बैटलशिप्स, एयरप्लेन्स, सबमरीन्स एंड माइंस, जो कि आपके ओपोनेंट के छुट्टी भी कर सकते हैं या तो फिर अगर आपके ओपोनेंट्स के साइड से आप पर मारे गए तो आपकी भी छुट्टी कर सकते हैं। नंबर 13, रिपटाइड जीपी। सो रिपटाइड जीपी रेनेगेड एक बहुत ही कमाल का रेसिंग गेम है, जहाँ के आप पानी के ऊपर रेसिंग कर सकते हो। ओह माय गॉड, आई मीन ओरिजिनली रेसिंग गेम्स तो स्ट्रीट्स पे बेस्ड होते हैं, यानी कि आपको सड़कों पे ही रेस करनी होती है, लेकिन ये गेम काफी ज्यादा यूनिक है क्योंकि इसमें आपको पानी में रेस करना है, विच इज जस्ट ऑसम। एंड हाँ, गेम में आपको पुलिस केस, स्प्लिट रेसिंग, ड्रैग रेसिंग एंड और भी बहुत सारे गेम मोड्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि इस गेम के पानी पे रेस करने वाले एलिमेंट के साथ ही मिलकर एक बहुत ही ज्यादा यूनिक और एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया गेम प्ले क्रिएट कर देते हैं। सो गेम काफी मस्त है ये, जिसे कि आप एक कंट्रोलर की हेल्प से भी खेल सकते हो। नंबर 12, बैडलैंड्स 2। सो बैडलैंड्स 2 यहां पर एक डार्क एटमॉस्फेरिक गेम है, जिसमें कि आप अपने दोस्तों के साथ ही एक एडवेंचरस बट डेंजरस जर्नी पर निकलते हो, जहां की रास्ते में आपको तरह तरह के ट्रैप्स एंड तरह तरह के पजल्स का भी सामना करना है। एंड मैंने ट्रैप्स बोले हैं तो इसे ये मत समझ जाना कि आप छोटे मोटे ट्रैप्स को पार करके बच जाओगे, क्योंकि यहां पर इतने ज्यादा ट्रैप्स भरे पड़े हैं ना कि आपने सोची ना होगी। सो इन शॉर्ट, सीधे सीधे आपको इन ट्रैप्स को अवॉइड करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना है, जो कि सीधा वैसे तो लगता है बोलने में, लेकिन है नहीं। नंबर 11, बीच बगी रेसिंग। सो बीच बगी रेसिंग एक फनी मल्टीप्लेयर रेसिंग गेम है, जहां के आप अपने दोस्तों के साथ ही बीच पे या फिर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे रेस कर सकते हो। एंड सबसे कमाल की बात यह है कि ये गेम आप मोबाइल, पीसी एंड यहां तक कि स्मार्ट टीवी में भी चला सकते हो, जो कि इस गेम को एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट देता है। नंबर 10, क्रिटिकल स्ट्राइक पोर्टेबल। सो क्रिटिकल स्ट्राइक पोर्टेबल एक कमाल का FPS गेम है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक FPS गेम होने वाला है, जहाँ कि आप अपनी टीम के साथ ही कई तरह के मैचेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जिसमें कि शामिल है बॉम्ब डिफ्यूज मोड, TDM एंड कैप्चर द फ्लैग। सो अगर आप CS:GO जैसे ही गेम्स के फैन हो और वैसा ही कुछ अगर आपको अपने मोबाइल में भी ट्राई करना है, सो इस गेम को आप पक्का से गो दे सकते हो। नंबर 9, बैटल ऑफ एजेंट्स। सो बैटल ऑफ एजेंट्स यहाँ पर एक टीम डेथ मैच मल्टीप्लेयर गेम है, जहाँ आप अपने दोस्तों के साथ ही टीम बना के खेलते हो एंड एनिमीज, ज़ॉम्बीज या फिर दूसरे अपोनेंट्स का सामना भी करते हो, और इसके साथ ही यहाँ पर आपको ज़ॉम्बी मोड भी देखने को मिल जाता है। अब अनफॉर्चुनेटली अगर आपको कोई रियल फ्रेंड नहीं है, जो कि होना तो चाहिए अगर आप एक रियल इंसान हो तो, बट अगर नहीं है किसी भी कारण से तो कोई बात नहीं यार, कांग्रेचुलेशंस, आप इसे बॉट्स के साथ भी खेल सकते हो, जो कि अकेले खेलने से तो काफी ज्यादा बेहतर है। नंबर 8, बग हीरोज 2। सो बग हीरोज 2 यहाँ पर एक टैक्टिकल स्ट्रेटेजी गेम है, जहाँ के आपको अपने बेस को डिफेंड करना होता है एंड एनिमीज के बेस पे कब्जा जमाना होता है। नाउ गेम में आपको डिफरेंट तरह के हीरोज, वेपन्स, आर्मर्स, जियर्स एंड और भी पता नहीं क्या क्या ही देखने को मिल जाता है। सो गेम काफी मस्त है, जिसे कि आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों मोड्स में ट्राई कर सकते हो। नंबर 7, स्पेशल फोर्सेस ग्रुप 2। सो अगर आपको याद हो तो किसी टाइम पे हम लोग गेमिंग पार्लर्स में जाकर घंटों काउंटर स्ट्राइक खेला करते थे 20-25 रुपए में, जो कि तब के टाइम पे तो काफी ज्यादा बढ़िया था, लेकिन अगर आपको वैसा ही एक्सपीरियंस आज की डेट में चाहिए तो स्पेशल फोर्सेस ग्रुप 2 आपको वो एक्सपीरियंस दे सकता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इस गेम को खेलने के लिए आपको अपने दोस्तों को सिंपली बुलाना है और उन्हें सेम वाईफाई नेटवर्क पे कनेक्ट कर देना है। बस इतना ही करके आप अपने सारे दोस्तों को इस गेम से कनेक्ट कर लोगे और सेम काउंटर स्ट्राइक वाली फील लेकर इस गेम को आप खेल पाओगे, ये बात मैं गारंटी से लिख के देता हूँ। नंबर 6, बैडमिंटन लीग। सो ये एक लोकल कोऑप फन मल्टीप्लेयर गेम है, जहाँ के आपको बेसिकली अपने फ्रेंड्स के साथ ही बैडमिंटन ही खेलना है, लेकिन यहाँ पर ये कोई बोरिंग तरह का बैडमिंटन गेम प्ले नहीं होने वाला, बल्कि एक बहुत ही शानदार और मजेदार गेम प्ले होने वाला है, जिसमें कि आप स्मैश मार सकते हो, स्ट्राइक कर सकते हो एंड खुद के एरिया को डिफेंड करके अपनी टीम को भी जिता सकते हो। एंड इस गेम को खेलने के बाद इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ये एक डिजिटल बैडमिंटन गेम की तरह हो गया यहाँ पर, जो कि काफी ज्यादा अनोखी और फैसिनेटिंग बात है। नंबर 5, कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स ज़ॉम्बीज। सो कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स ज़ॉम्बीज एक ऐसा तगड़ा FPS गेम होने वाला है, कॉल ऑफ ड्यूटी है तो एक FPS गेम ही होगा ना, जहाँ के आपके वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की गन्स देखने को मिल जाती है, जिससे कि आप डिफरेंट ज़ॉम्बीज की छुट्टी कर सकते हो, बोले तो एक ही गोली में उनकी खोपड़ी उड़ा सकते हो। सो गेम यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़िया है, जिसमें कि सिंगल प्लेयर कैंपेन के साथ ही लोकल मल्टीप्लेयर का भी ऑप्शन अवेलेबल है।
नंबर 4 माइटी फाइटर 2। सो माइटी फाइटर 2 यहाँ पर एक बीट एम अप फाइटिंग गेम है जहाँ की आप अपने दोस्तों को एक फ्रेंडली फाइट के लिए इनवाइट कर सकते हो और फ्रेंडली फाइट के नाम पर ही डिफरेंट अरिनाज में जाकर उनकी बैंड भी बजा सकते हो। खैर गेम में आपको स्पेशल मूव्स, कॉम्बोज, डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड उनकी डिफरेंट एबिलिटीज भी देखने को मिल जाती है। नाउ हमारी लिस्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट बताना चाहूंगा कि वीडियो के इस पॉइंट से आगे जो भी मैं गेम्स बोलने वाला हूं उन्हें आप NES एमुलेटर के हेल्प से अपने फोन में चला सकते हो। सो बिल्कुल भी घबराना मत, आपको बस NES एमुलेटर इंस्टॉल करना है अपने फोन में और फिर बाकी का प्रोसेस तो आप जानते ही हो। सो नंबर 3 गेम इज कॉन्ट्रा। नाउ कॉन्ट्रा गेम को किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे ही जैसे अर्ली 2000s में पैदा हुए किड्स या फिर उनसे भी पहले के ह्यूमन बीइंग्स कॉन्ट्रा गेम को बहुत ही हार्डकोर तरीके से ग्राइंड करते आए हैं। आई मीन लिटरली मारियो के बाद में मेरा ये दूसरा गेम था जो कि मैंने मेरे वो छोटे से वीडियो गेम में खेला था। बट फिर भी जो आज के निबा निबीज है यानी कि जो आज की जनता है उन्हें नहीं पता होगा कॉन्ट्रा के बारे में, तो मैं बता दूं कि एक साइंस फिक्शन शूटिंग गेम है जहां आपको डिफरेंट लोकेशंस पर जाकर एलियंस का सामना करना होता है। हां सही सुना आपने, ना रोबोट्स ना कोई डिफरेंट एनिमीज ह्यूमन बीइंग्स, सीधे एलियंस से बढ़ा रहे हैं ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स को। तो काफी ज्यादा फैसिनेटिंग होने के साथ ही ये गेम काफी ज्यादा हार्ड और डिफिकल्ट भी हो जाता है। आई मीन लिटरली चारों तरफ से तुम्हारे एलियंस आ रहे हैं तुम्हें मारने के लिए। आगे जाके पावर अप्स मिल जाते हैं अच्छे खासे, लेकिन शुरुआत में तो आपके पास एक सड़ी सी बंदूक ही रहती है। सो अगर आप न्यू जनरेशन के हो या फिर आपको अपना नॉस्टैल्जिया रिवाइव करना है तो इस गेम को जरूर से ट्राई कर सकते हो आप। नंबर 2 स्नो ब्रोज। तो स्नो ब्रोज एक कमाल का प्लेटफॉर्मर गेम है जहां हमारे पास एनिमीज को फ्रीज करने की पावर होती है एंड सो हम उन्हें जमा जमा के मार सकते हैं एंड डिफरेंट लेवल्स को भी यहां पर उन्हें मार कर ही पार कर सकते हैं। एंड वैसे तो गेम यहां पर काफी बढ़िया है जिसमें कि आपको डिफरेंट बॉसेस से फाइट भी देखने को मिल जाती है, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आपको इसे खेलना है या नहीं खेलना है। पर्सनली अगर मेरी बात मानो तो ये गेम काफी अच्छा है जिसे कि आप ट्राई कर सकते हो। एंड नाउ हम पहुंच चुके हैं हमारे लिस्ट के फाइनल गेम की तरफ, लेकिन उसे बताने से पहले इट्स टाइम फॉर टुडेज गेमिंग क्वेश्चन जहां कि आपको बताना है कि लारा क्रॉफ्ट कौन से गेम की प्रोटैगनिस्ट है। सो जल्दी से जल्दी अपने हाथ पैर और जो चलाना है वो चलाओ। आई मीन इस पॉइंट पर मैं पूछने भी नहीं वाला कि तुम क्या चलाने वाले हो और मेरे इस क्वेश्चन का जल्दी से जल्दी आंसर कर दो। तब तक के लिए मैं भी पढ़ता हूं आज की फाइनल गेम की तरफ जो कि है नंबर 1st पोजीशन पर डबल ड्रैगन 3। सो डबल ड्रैगन 3 मेरा अब तक का खेला गया वन ऑफ द बेस्ट कोऑप गेम है, जैसे कि मैंने किसी टाइम पे DBA में खेला था बिकॉज ये गेम एक बीट एम अप गेम है जहां कि आपको डिफरेंट एनिमीज को पेलते जाना है और तो और यहां पर आपको डिफरेंट कॉम्बोज एंड वेपन्स भी देखने को मिल जाते हैं। नाउ गेम अपने आप में ही काफी ज्यादा फन, काफी ज्यादा एंजॉयिंग एंड काफी ज्यादा मस्त था, जिसकी बात करते करते लिटरली मेरे को नॉस्टैल्जिक गूज बम्स आ रहे हैं और इसका साउंड ट्रैक तो मेरे कानों में अब भी गूंज रहा है। सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो के यहीं समापन होने के साथ ही ये थे हमारे बेस्ट ऑफलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स। बट अगर आपको जानना है कि मोबाइल के लिए बेस्ट गेम लॉफ्ट गेम्स कौन से हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो एंड अगर आप एडवेंचरस गेम्स के फैन हो मेरी ही तरह तो राइट वाली वीडियो को चेक करना बिल्कुल भी मत भूलना। लेकिन क्या फर्क पड़ता है यार, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप जिस भी वीडियो पर क्लिक करोगे तो मैं उस वीडियो में आपको मिल ही जाऊंगा। सो बस मिलते हैं आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गेम ऑन।